आज की जबरदस्त वीडियो में हम बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह विराट कोहली की कार्स कलेक्शन और टोटल नेटवर्थ का आपस में कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि आखिर इन दोनों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है और किसके पास कौन सी कार मौजूद है। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सलमान खान की कार्स कलेक्शन के बारे में। तो नंबर वन पर उनके पास मौजूद है BMW X6 और इस कार की कीमत है 1,90,00,000 रुपए। नंबर दो पर उनके पास मौजूद है टोयोटा लैंड क्रूजर और इस कार की कीमत है 1,40,00,000 रुपए। नंबर तीन पर उनके पास मौजूद है मर्सिडीज बेंज एस क्लास और इस कार की कीमत है 1,40,00,000 रुपए। नंबर चार पर उनके पास मौजूद है ऑडी RS7 और इस कार की कीमत है 1,50,00,000 रुपए। नंबर पांच पर उनके पास मौजूद है लैंड रोवर और इस कार की कीमत है 1,90,00,000 रुपए। नंबर छह पर उनके पास मौजूद है मर्सिडीज बेंज AMG GLE और इस कार की कीमत है 1,70,00,000 रुपए। नंबर सात पर उनके पास मौजूद है ऑडी Q7 और इस कार की कीमत है 90,00,000 रुपए। नंबर आठ पर उनके पास मौजूद है पोर्शे कायनी टर्बो और इस कार की कीमत है 1,80,00,000 रुपए। नंबर नौ पर उनके पास मौजूद है मर्सिडीज बेंज GLE 350D और इस कार की कीमत है 70,00,000 रुपए। नंबर दस पर उनके पास मौजूद है टोयोटा फॉर्च्यूनर और इस कार की कीमत है 40,00,000 रुपए। और नंबर 11 पर उनके पास मौजूद है रोल्स रॉयस फैंटम और इस कार की कीमत है 9,00,00,000 रुपए, जो कि सलमान खान की खरीदी गई सबसे महंगी कार है। इसके अलावा सलमान खान के पास अपनी एक वैनिटी वैन भी मौजूद है और इस वैन की कीमत है 5,00,00,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं सलमान खान की बाइक कलेक्शन के बारे में। तो नंबर वन पर उनके पास मौजूद है सुजुकी हायाबुसा और इस बाइक की कीमत है 13,00,000 रुपए। और नंबर दो पर उनके पास मौजूद है सुजुकी इंट्रूडर M18 बाइक और इस बाइक की कीमत है 15,00,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं सलमान खान के प्राइवेट जेट के बारे में। तो सलमान खान के पास अपना एक प्राइवेट जेट मौजूद है और इस जेट की कीमत है 220,00,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं सलमान खान की टोटल नेटवर्थ के बारे में। तो 2023 के हिसाब से सलमान खान का शुमार दुनिया के चंद अमीर तरीन एक्टर्स में किया जाता है, जो कि 2023 के हिसाब से तकरीबन $360 मिलियन के मालिक हैं, जो कि रुपीज में बनते हैं तकरीबन 2,850 करोड़ रुपए। इसके अलावा सलमान खान किसी भी मूवी में काम करने के तकरीबन 60 से 70 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ये तो थी सलमान खान की कार्स कलेक्शन। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की कार्स कलेक्शन के बारे में। तो नंबर वन पर उनके पास मौजूद है बेंटली कॉन्टिनेंटल GT और इस कार की कीमत है 3,70,00,000 रुपए। नंबर दो पर उनके पास मौजूद है ऑडी S5 स्पोर्ट्स और इस कार की कीमत है 1,70,00,000 रुपए। नंबर तीन पर उनके पास मौजूद है लैंड रोवर वॉग और इस कार की कीमत है 1,90,00,000 रुपए। नंबर चार पर उनके पास मौजूद है ऑडी RS5 कोपे और इस कार की कीमत है 1,11,00,000 रुपए। नंबर पांच पर उनके पास मौजूद है बेंटली कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पर और इस कार की कीमत है 3,20,00,000 रुपए। नंबर छह पर उनके पास मौजूद है ऑडी Q7 और इस कार की कीमत है 1,90,00,000 रुपए। नंबर सात पर उनके पास मौजूद है टोयोटा फॉर्च्यूनर और इस कार की कीमत है 40,00,000 रुपए। नंबर आठ पर उनके पास मौजूद है ऑडी A8L और इस कार की कीमत है 1,90,00,000 रुपए। नंबर नौ पर उनके पास मौजूद है ऑडी R8 V10 प्लस और इस कार की कीमत है 2,70,00,000 रुपए।
नंबर 10 पर उनके पास मौजूदा रेनॉल्ट डस्टर और इस कार की कीमत है 15 लाख रुपए। नंबर 11 पर उनके पास मौजूदा ऑडी R8 LMX और इस कार की कीमत है 3 करोड़ रुपए। नंबर 12 पर उनके पास मौजूदा ऑडी Q8 और इस कार की कीमत है 1 करोड़ 40 लाख रुपए। नंबर 13 पर उनके पास मौजूद है लंबरगिनी ग्लैडो और इस कार की कीमत है 2 करोड़ 80 लाख रुपए। नंबर 14 पर उनके पास मौजूद है ऑडी S6 और इस कार की कीमत है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। और नंबर 15 पर उनके पास मौजूद है ऑडी A6 और इस कार की कीमत है 60 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की टोटल नेटवर्थ के बारे में। तो 2023 के हिसाब से विराट कोहली का शुमार इंडिया के सबसे अमीर तीन प्लेयर में किया जाता है, जो कि 2023 के हिसाब से तकरीबन $122 मिलियन के मालिक हैं, जो कि रुपीस में बनते हैं तकरीबन 1060 करोड़ रुपए, और इनकी इस दौलत में हर दिन करोड़ों रुपए का इजाफा हो रहा है।